नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। बीते 3 नवंबर को धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमन सिंह पर गोली जेल में बंद कैदी ने ही चलाई थी। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर खूब उंगलियां उठी। झारखंड हाई कोर्ट ने अमन सिंह के केस पर स्वतः संज्ञान लिया और पूछा कि आखिर जेल के अंदर पिस्टल पहुंचा कैसे। अब तक कई पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद झारखंड के जेलों में चेकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। कभी भी किसी जेल की जांच में प्रशासन पहुंच जाती है। बता दें कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोपी शूटर अमन सिंह को 3 दिसंबर की दोपहर जेल के भीतर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। यूपी निवासी अमन सिंह मई 2021 से इस जेल में बंद था। उसे यूपी के मिर्जापुर जेल के पास गिरफ्तार किया गया था। अमन के खिलाफ धनबाद में हत्या, अपहरण, रंगदारी और फिरौती वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अमन सिंह जेल में बंद रहने के बावजूद धनबाद में आतंक का पर्याय बना हुआ था। इसी बीच राजधानी रांची के केंद्रीय कारा में भी प्रशासन अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक रांची के उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार की सुबह उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापामारी की। छापामारी दल में DDC दिनेश यादव के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहतर, कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार, संजय प्रसाद, साधना जयपुरियार, संजय कुमार, स्मृति कुमारी के अलावा सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक 15, पुलिस पदाधिकारी और 100 पुलिस के जवान भी शामिल थे। रांची जिला प्रशासन की टीम जेल में छापेमारी के लिए सुबह 5 बजे कारागार पहुंच गई थी। टीम ने 8 बजे तक छापेमारी की। इस दौरान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के सभी सेल की जांच की गई। 3 घंटे तक चली छापेमारी में कारागार में किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद धनबाद जेल में भी प्रशासन ने छानबीन की थी। इस दौरान महिला वार्ड से 1 रेडमी कंपनी का मोबाइल, 2 एयरबड्स, 18,150 रुपए नगद और पेन ड्राइव बरामद हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।